नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल चल रहे हैं। तो आइए, आज क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है ना, 48 तक मैंने करा दिए हैं आपको शायद, तो देख लेना आप। तो 49 के बाद 50 और 51, तीन क्वेश्चन समझते हैं। आइए, तो बुक निकालिए, आप क्वेश्चन पढ़ें। तो एक बार 49 क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, ठीक है, आप भी बुक निकालें और पढ़ें। देखो 49 क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इन ए बल्ब, किसी बल्ब में 550 जूल्स एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो एनर्जी को W से डिनोट किया जाता है, तो 550 जूल्स लिख दिया मैंने। इसके बाद कहा इज कंज्यूम्ड पर सेकंड, टाइम कितना दे रखा है, पर सेकंड का मीन्स होता है 1 सेकंड, तो टी इज इक्वल टू 1 सेकंड है। इसके बाद देखो ओन पासिंग ए करंट ऑफ 0.55 एम्पियर, करंट दे रखा है 0.55 एम्पियर, एम्पियर है ना, शॉर्ट में ये लिखते हैं, और करंट को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं थ्रू इट। आगे उसने क्या कहा, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द बल्ब, बल्ब के जो एंड्स हैं, जो है ना किनारे हैं, उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस वी आपको फाइंड करना है। तो देखो आप जानते हो फॉर्मूला W इक्वल्स टू वी आई टी होता है, तो W की वैल्यू रखो, वी आपको निकालना है, आई की वैल्यू कितनी है ना इतनी, और टी की वैल्यू है 1 सेकंड। तो देखो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपोन में ले जाओ बस, है ना, पॉइंट हटाओगे ऊपर 2 जीरो आ जाएगी, 55 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1000 वोल्ट आया इसका आंसर। हैंस पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द बल्ब, बल्ब के सिरों के बीच या किनारों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1000 वोल्ट, ठीक है ना, आंसर मैच कर लेना। इसके बाद देखो 50 क्वेश्चन पढ़ो। इन एन हीटर, किसी हीटर में 4.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, तो करंट दे रखा है 4.5 एम्पियर इज फ्लोइंग एट 220 वोल्टेज, है ना, वोल्ट्स वोल्टेज, तो वी वोल्टेज दे रखा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 220 वोल्ट्स। आगे उसने क्या कहा, व्हाट इज द पावर ऑफ द हीटर, जो हीटर की पावर है वो कितनी है, ठीक है ना। तो देखो आप फॉर्मूला जानते हो, पी इज इक्वल टू वी आई, तो पी आपको निकालना है, वी दे रखा, आई दे रखा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे अपने आप करेंगे, आंसर मैच कर लेंगे फिर, है ना। 51 देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 200 वोल्ट, यानी वी दे रखा है 200 वोल्ट। आगे देखो 40 वोल्ट, वोल्ट क्या होती है, पावर होती है, तो पावर पी इज इक्वल टू 40 वोल्ट, ठीक है जी। आगे उसने कहा हाउ मच करंट विल फ्लो, करंट कितना फ्लो होगा, यानी आई निकालना है आपको, व्हेन कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक मेन्स ऑफ 200 वोल्ट्स, यानी जब वी कितना है 200 वोल्ट्स के मेन्स से कनेक्ट कर दिया जाता है, किसे कनेक्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब को, तो करंट पूछ रहा है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, करंट, तो पी इज इक्वल टू वी आई होता है, तो आई इक्वल टू पी अपॉन वी आ जाएगा, पी की वैल्यू दे रखी आई, है ना, और वी की वैल्यू भी आपके पास है, यहां से आई निकल जाएगा। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा, हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इन द बल्ब इन 5 मिनट्स, टाइम 5 मिनट दे रखा है, मिनट को सेकंड में बदलते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो W इज इक्वल टू वी आई टी होता है। सेकंड पार्ट में आपको निकालना है W, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, V की वैल्यू आपके पास है, है ना, I की वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे फर्स्ट पार्ट से, और T आपको दे रखा है, ठीक है। तो 51 का आंसर आप मैच करेंगे, मतलब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे पहले, फर्स्ट पार्ट भी, सेकंड पार्ट भी, फिर उसके आंसर को मैच करेंगे, ठीक है ना। तो 51 के बाद देखो 52 आप देख लेना, हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह दे रखा है। उसने कहा 100 वोट, यानी पी दे रखा है, ठीक है जी, तो फिर पी दे रखा है 100 वोट, ये कितना दे रखा है 200 वोल्ट, यानी वी दे रखा है। इसके बाद देखो हाउ मच करंट विल फ्लो इन द बल्ब, बल्ब में कितना करंट फ्लो होता है, इसी प्रकार आई निकालना है ना, तो आई यहां भी निकालना था, तो वहां भी इसी प्रकार है। आगे इसने क्या कहा, व्हेन इट इज लाइटेड इन ए मेन्स, ठीक है ना, वी तो 200 दे रखा है, हाउ मच विल बी द रेजिस्टेंस, तो बाद में रेजिस्टेंस पूछा है, तो यानी रेजिस्टेंस कैसे निकाल देंगे आप, यहां तक तो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट तक तो सेम है, लेकिन फिर क्या कह रहा है वो, उसने रेजिस्टेंस पूछा है, तो रेजिस्टेंस के लिए देखो आप क्या कर लेंगे, फॉर्मूला ये वाला लगाना, वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ठीक है ना, तो बस यहां से आर निकल जाएगा, यानी आई तो आपके पास यहां से आ गया, हालांकि ये भी मत लगाओ, है ना, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूला इसमें कौन सा लग जाएगा, आई तो आपको यहां से मिल गया, वी आपको दे रखा है, आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, ओम्स ला जो फॉर्मूला है ना, वहां से आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 52। तो ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना, इन्हें आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, और फिर
है ना, साथ में तैयारी करते जरूर चले, जल्दी टेस्ट होगा, ध्यान रखिए, पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।